हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आप इस चैप्टर को देख करके समझ गए होंगे कि ये कौन सी क्लास का चैप्टर है। तो चलिए हम एक बार बता भी दे रहे हैं आपको, ये क्लास 8th का हिंदी 1 सेकंड चैप्टर है, जीवन का लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, यह सारी चीज़ें जो है हमारे ऊपर डिपेंड होती है। हम अपने जीवन को किस तरीके से कैसे ढालना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं, यह सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करती हैं। हमारे जीवन के लिए जब तक हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा, हमें किसी भी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, किसी भी परिस्थितियों को तय करने के लिए एक उचित लक्ष्य का होना आवश्यक होता है। और जिसके पास एक उचित लक्ष्य नहीं होता, वह व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता है, वह निरंतर असफल होते रहता है। लक्ष्य से मतलब मेरा है कि जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या फिर आपके ऑन रोड ऑटो रिक्शा, कोई भी चीज़, किसी भी व्हीकल को ले लीजिए, कोई भी व्हीकल हो आप, ये सोचिए कि आप यदि ऑन रोड खड़े हैं और आपके मन के अंदर अगर यह बात तय नहीं है कि आपको किस जगह पर जानी है, घर आना है, शहर में जाना है, एक जगह से दूसरी जगह कहाँ पे जाना है, ये चीज़ें अगर तय नहीं है तो आप किस तरीके से उस जगह पे पहुंच सकते हैं या वहाँ से आप कहाँ जा सकते हैं। इसी प्रकार से आपके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, जिस लक्ष्य का एक इकाई होनी चाहिए, जहाँ तक आपको पहुँचना है उस लक्ष्य की सिद्धि होनी चाहिए। छोटा सा एक और उदाहरण, एक घर होता है, एक घर में एक माँ, पापा, चाचा, चाची, दादा, दादी जो भी होते हैं, पर माँ पापा के तो आप बच्चे होते हैं, उनका एक लक्ष्य होता है कि मुझे इन बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, इनको आगे बढ़ाना है, इनका शादी ब्याह करना है, इनको इनके घर पहुँचाना है, इनके जीवन को सुव्यवस्थित कराना है, यह उनका एक लक्ष्य होता है। उसी तरीके से हमारा भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने इस लक्ष्य को कहाँ पर ख़त्म करेंगे, कैसे करेंगे और उस लक्ष्य की पूर्ति कैसे करेंगे, कैसे प्राप्त कर सकते उस लक्ष्य को, तभी जीवन जीना जो है बहुत सरल हो जाता है और जीवन के उस लक्ष्य तक पहुंचना भी आसान हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में एक टीम, एक मोटो है कि हमारा मतलब सपना है कि हम ये चीज़ करें। लेकिन हमारा सपना सिर्फ रखने से वह चीज़ नहीं होता है, जब तक हम उसको स्वयं उस पर प्रयत्नरत रह करके कार्य ना करें। इसी को कहते हैं जीवन का लक्ष्य। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस जीवन के लक्ष्य के बारे में क्या इस चैप्टर में बताया गया है। सफलता, यह शब्द सुनते ही तन मन में प्रसन्नता का संचार हो जाता है, फिर चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सबके चेहरे एक समान खिल उठते हैं। सफलता चाहे छोटी हो या बड़ी, उसकी कोई सीमा नहीं। सफलता स्वयं में अनेक प्रकार की खुशियों, उत्साह तथा प्रेरणाओं का संगम है। यदि आपका रिजल्ट निकलता है, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते हैं, तो यह सफलता आपकी स्वयं की सफलता है। आपके इस सफलता पे आप तो स्वयं प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ आपके घर वाले, जितने भी आपके इर्द गिर्द आस पड़ोस में लोग सुनते हैं, वो भी प्रसन्न होते हैं, वो भी खुश होते हैं कि अरे वाह, ये तो बच्चा ऐसा था, ऐसा है। ठीक है, सफलता पाने के लिए भी किसी विशेष प्रयत्न से अधिक आवश्यकता है। कह रहे सफलता पाने के लिए भी
किसी विशेष प्रयत्न से अधिक आवश्यकता है यह तय करने की कि आखिर हम किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। कमजोर से कमजोर प्राणी भी अपनी शक्तियों को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे बालक अर्जुन का लक्ष्य वेद मशहूर है। जब हमारा एक लक्ष्य होगा तो ही हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस पर पूरी तरीके से केंद्रित होंगे और उस पर तन मन धन लगा करके कार्य करेंगे ताकि हम उस लक्ष्य की प्राप्ति करें। बालक अर्जुन का लक्ष्य भेद मशहूर है। बालक अर्जुन से मतलब आपका अभी रिसेंटली जो पिछले लॉकडाउन में आपने महाभारत को देखा है उसमें आपको अर्जुन का किरदार दिखा होगा। उस अर्जुन के किरदार में आपने देखा होगा कि अर्जुन जो थे वह तीरंदाज थे, तीर धनुष की विद्या में बहुत ही निपुण थे और द्रोणाचार्य के सबसे अच्छे शिष्य थे। जब द्रोणाचार्य ने सिखाने के साथ इन लोगों की परीक्षा ली कि एक पेड़ के पत्तों के बीच में एक चिड़िया को छुपा दिया और बोला कि आप लोगों को इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो किसी ने चिड़िया का पैर देखा, किसी ने चिड़िया का मुख देखा, किसी ने चिड़िया का पर देखा, कोई पत्ता ही देखा, कोई फल देखा, किसी ने चिड़िया का मेन जो लक्ष्य के लिए चाहिए था वो नहीं देखा, परंतु अर्जुन को तो वह विद्या आनी ही आनी थी, इसलिए अर्जुन ने उस चिड़िया का आँख देखा और बोला कि गुरुवर मैंने इस चिड़िया की मुझे इस चिड़िया की जो है आँख दिखाई दे रही है। इस तरह माना गया है कि धनुष विद्या में अर्जुन जो थे वो अत्यंत ही निपुण थे। उन्होंने पेड़ पर रखी लकड़ी की चिड़िया की एक आँख को लक्ष्य मानकर धनुष से बाण छोड़े। निरंतर टपकने वाले झरने की बूंदें भी शिलाओं के सीना चीर देती हैं। सब शक्तियों को एक ओर लगाने से सफलता स्वयं ही हमारे चरण चूमेगी। आपने देखा बूंद बूंद से एक घड़ा भर जाता है, वही यहाँ पे कहा जाता है कि सारी शक्तियों को जब हम एक तरफ लगाएंगे तो सफलता हमारे पास आएगी ही आएगी। कल्पना कीजिए उस यात्री का जो कोई कहीं जाने के लिए तत्पर है, जिसकी कोई मंजिल नहीं, बस स्टैंड पर खड़ा हुआ यात्री और विभिन्न दिशाओं के ओर ले जाती असंख्य बसें उसे रेगिस्तानों, कश्मीर की वादियों, सागर की उठती लहरों, असम की हरी भरी पहाड़ियों, पंजाब के लहलाते खेतों, गंगा यमुना के तटों और न जाने कहां कहां तक ले जा सकती हैं। परंतु क्या एक समय वह सब जगह जा सकती है? एक समय में वह सारे जगह को जा सकते हैं? नहीं। क्यों? जाने के लिए उसे एक ही मंजिल को चुननी होगी। इसके अभाव में तो यह यात्री वहीं खड़ा प्रतीक्षा करता रहेगा और समय बीत जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जब आपका लक्ष्य उचित हो, आपका एक लक्ष्य होगा कि आपको ये बनना है या आपको ये करना है, तो आपका वो लक्ष्य जो है उस पर आप तन मन धन से परिश्रम करके एक होकर आगे बढ़ेंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से समर्थ रहेंगे। जीवन की सफलता के लिए अपनी मंजिल का सही समय पर चुनाव अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति की किसी खास काम में रुचि हुआ करती है। इस रुचि को पहचानने के लिए भी कभी कम तो कभी अधिक प्रयोग करना पड़ता है। कोई भी कदम उठाने से पूर्व आवश्यक विचार करना चाहिए कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। जब तक लक्ष्य साधा नहीं जाएगा उसे पाना दुभर है। यह लक्ष्य भी रुचि के अनुकूल ही होना चाहिए। हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में ही अच्छा काम कर सकता है। कोई अच्छा लेखक हो सकता है, या वक्ता हो सकता है। किसी को पेड़ पौधों में रुचि होती है तो किसी के अंतरिक्ष में विचरते असंख्य तारों में, कोई बड़ी बड़ी मशीनों को नियंत्रित करने का आनंद अनुभव करता है तो कोई रंग और कूची उठाकर चित्र बनाने में। अपने भीतर के व्यक्ति को पहचानना आवश्यक है। विश्व के सभी महान व्यक्तियों ने अपने अपने विशिष्ट गुणों को पहचाना और निखारा, तभी सफलता यश समृद्धि उनके कदम चूमने लगी।
आज हमारे सामने जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, जितने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, जितने राइटर हैं या जितने पेंटिंग करने वाले चित्रकार हैं, ये सारे क्या हैं? हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। इनका अपना एक लक्ष्य रहा है। और जो हमारे हम आज जिसकी कविता पढ़ रहे हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता पढ़ी, उनका भी तो एक लक्ष्य था, उनका भी तो जीवन का एक संघर्ष था वो लक्ष्य को प्राप्ति की, मैं किसी कविताओं को लिखूं, मैं कुछ पुस्तकें लिखूं जो मेरी आर्टिकल्स जो है वो छपे और मैं एक प्रसिद्ध कवयित्री बन जाऊँ। ऐसा उनके मन में विचार था। उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण सफलतापूर्वक काम किया, पूरे निष्ठा से काम किया और नतीजा अंततः वह सफल भी हुए। इसी प्रकार हमारे मन के अंदर जो भी चीज़ें हैं, हमें उन्हें उभारने के लिए सबसे पहले अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे लक्ष्य अगर मजबूत रहेंगे, यदि हमारे लक्ष्य जो है सही रहेंगे, तो वहाँ तक प्राप्ति का साधन भी आसान होगा और हम वहाँ पे मेहनत भी करके वहाँ तक पहुँच ही सकते हैं। अगर लक्ष्य निर्धारण नहीं होगा, अगर एक उचित लक्ष्य नहीं होगा, तो हम उस जगह पे पहुँचने में असमर्थ रहेंगे, उस चीज़ की प्राप्ति हमसे नहीं हो पाएगी। इसलिए समय रहते हमें अपने आप को पहचानना होगा और यह ध्यान देना होगा कि हम कैसे क्या करें कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यही जीवन का मूल होता है। जीवन में सफलता पाने के लिए उसमें पूरी तरह डूब जाना जरूरी है। इसका महत्व नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे किस तरह कर रहे हैं। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, उसको करने की शैली छोटी या बड़ी नहीं होती, बशर्ते आपके अंदर यह मुकाम होना चाहिए कि आप उस काम को शिद्दत के साथ कर करके पूरा करेंगे। दूसरे का मुँह ताकने वाले कभी सफल नहीं होते हैं, पर सच तो यह है कि अक्सर आपको नहीं तलाशता अक्सर कह रहा है अवसर आपको नहीं तलाशता, आपको अवसर की तलाश करनी पड़ती है। उचित समय की तलाश करो और अपने काम में जुट जाओ। प्रकृति हमें काम में जुटे रहने की प्रेरणा देती है। बहती हवा, डूबता उगता सूरज, बहती नदियाँ और झरने मनुष्य को सदैव आगे बढ़ते रहने का संदेश देते हैं। जो इसी प्रकार जुटा रहता है, सफलता उसी का चरण चूमती है। लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें योग्यताओं पर भी विचार करना चाहिए। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। हर पदार्थ का अलग अलग रूप रंग गुण है, हमें वही करना चाहिए जिससे हम अच्छी तरह कर पाएँ। कोई कभी बन सकता है, कोई अभिनेता बन सकता है, कोई वैज्ञानिक तो कोई खिलाड़ी, किसी की भी किसी अन्य व्यक्ति से तुलना नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियां एवं योग्यताएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक अलग भाव होता है, एक अलग तन्मयता होती है, हर व्यक्ति के अंदर अलग अभिलाषा होती है जिसे वह प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से कोशिश करना चाहता है। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता और कोई भी व्यक्ति का आकलन नहीं करना चाहिए कि वह इनके जैसा है या वह उसके जैसा बनना चाहता है। कोई किसी के जैसा नहीं बनना चाहता है, कोई किसी के जैसा नहीं होता। जो जैसा है वह स्वयं वैसा ही है, बस वह अपने आप को एक सही जगह पे देखना चाहता है। संसार के जो व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्य मानवता को आधार बनाकर चुनते हैं वे महान होते हैं। ध्यान से देखिए इस टॉपिक को, कह रहे संसार के जो व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्य, मतलब जो व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को चुनाव करते हैं, मानवता को आधार बनाकर चुनते हैं, वे महान होते हैं। उनके विचार और काम समय की सीमा पर समय की सीमा पार कर अमर हो जाते हैं। वे अन्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। उनके चरित्र की आभा उनके मुख पर झलकती है। जो व्यक्ति दूसरे की सलाह पर स्वयं निश्चय ही दिशा को त्याग देता है, जो क्षण क्षण में विचार बदलता है, ऐसा व्यक्ति संसार में कोई महान कार्य नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जब हम पल दो पल में अपने काम को ध्यान न दे करके एक बार से तो अरे यह काम हमें करना चाहिए या नहीं सही है तो इस काम को छोड़ो, इस काम को करो, ऐसे विचार जो रखता है वह व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। वह अपने लक्ष्य निर्धारण में असफल है, क्योंकि लक्ष्य का चुनाव और लक्ष्य की पूर्ति तो मनुष्य के अंदर ही सन्निहित है। उसे ढूंढना है अपने आप को कि वह कौन से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने आप को उसमें झोंक रहा है और आगे बढ़ रहा है,
और किस लक्ष्य को वो पार करने में सफल होगा, उसे पूर्ति करने में सफल होगा। हल्के हवा के झोंके भी जिस वृक्ष को गिरा दे वह किसी को फल फूल क्या देगा। बड़ी बड़ी आंधियाँ को झेलने का साहस रखने वाला वृक्ष ही दूसरों की भी भूख दूर कर सकता है। किसी का आश्रय स्थल बनते हैं जो व्यक्ति दूरदर्शी हैं, अपनी सूझबूझ से आने वाली परिस्थितियों पर सोच विचार कर कदम उठाता है, उसे बड़ी से बड़ी बाधा भी नहीं हिला पाती। वह हिम्मत नहीं हारता और हर दिशा में सफलता पाता है। लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार परिश्रम है। आपके परिश्रम के बल पर ही आप अपने जीवन की हर शैली को नाप सकते हो। संकल्प दृढ़ हो तो क्या नहीं हो सकता। ताजमहल जैसी कलात्मक भव्य इमारत बन सकती है। चीन की सैकड़ों मील लंबी दीवार, मिस्र का महान पिरामिड मनुष्य के पक्के इरादे तथा मेहनत का ही परिणाम है। पक्के इरादे के धनी लोग ही एवरेस्ट की चोटी पर विजय पताका फहरा पाए, अटलांटिक महासागर को लांग पाए और चांद तक पहुंच सके। मेहनत की पूंजी हम सबके पास है, उसका अधिकाधिक प्रयोग कर हम भी अपनी जीवन सफल बना सकते हैं। यदि परिश्रम पूर्वक पसीना बहाओगे तो सफलताएं मुस्कुरा कर गले लगाएंगी। लक्ष्य ही मंजिल बन जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपका ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। जीवन का लक्ष्य जो आपका ये चैप्टर है ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर को देख करके आप जो है इस वीडियो के माध्यम से तो जो सुन रहे हैं वो सुन ही रहे हैं, प्लस आप अपनी बुक को ज़रूर खोलिएगा। आप अपनी बुक को ज़रूर खोलिएगा और खोलने के साथ साथ इस चैप्टर को पूरा अच्छे से बुक रीडिंग कीजिएगा। ये जो आपका चैप्टर है इसको यहाँ से लेके कंप्लीट लाइन वाइज लाइन हर पैराग्राफ को आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद ध्यान से इसके अंदर लिखी हुई चीज़ों को समझिएगा कि वह कहने की कोशिश क्या कर रहा है, कि जो भी राइटर ने इसे लिखा है वह आपको किस चीज़ का संदेश देना चाह रहे हैं। और इस चीज़ को समझने के बाद ही आप आगे बढ़िएगा। वर्ड मीनिंग यहाँ पे है। इस वर्ड मीनिंग के बारे में हमने हमेशा से आपको बताया है कि वर्ड मीनिंग आप कॉपी में लिख सकते हैं, लेकिन आप जो है अपनी कॉपी में लिख करके समय नष्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप जो है इसे यहीं पे रहने देंगे और इसी से आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स और भी जो भी कुछ है वो हम आपको बता दे रहे हैं कि उसको किस तरीके से आप अपने जो है बुक में करेंगे। जो बुक में करने वाली चीज़ें हैं वो हम बुक के अंदर ही बता दे रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखित जो ये दिखाई दे रहा है आपको, सेकंड नंबर क्वेश्चन है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। ये हम आपको पीडीएफ के थ्रू नहीं भेजेंगे क्योंकि हम इसको इस वीडियो के माध्यम से ही आपको दिखा दे रहे हैं। इसमें जो टिक लगा हुआ है इसको पढ़िए और अच्छे से आप भी अपने बुक में ही इसको टिक लगाइएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है, सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगाओ। बाकी इसमें शब्दार्थ को मैंने आपको बता ही दिया कि शब्दार्थ जो है वो आपके बुक के थ्रू ही आपको पढ़ना है, उसको आपको जो है अपने उसमें नहीं रखना है, कॉपी में नहीं लिखना है, इसको बुक के ही माध्यम से पढ़ना है। इसको एक बार हम पढ़ के भी आपको सुना दे रहे हैं, हालांकि आपके पास तो बुक है ही, आप अपनी बुक से इसको अच्छे से देख करके कई बार पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ड नंबर 1 लिखा हुआ है संचार। संचार का मतलब होता है बहाव, प्रवाह। संगम, संगम का मतलब होता है मेल मिलाप, ठीक है। केंद्रित, केंद्र का होना। लक्ष्य भेद, किसी लक्ष्य का भेद यानी लक्ष्य पे निशाना लगाना। फिर आपका मंजिल, यात्रा का अंतिम पड़ाव, जहाँ तक आपको पहुँचना है वह आपकी मंजिल है। अभाव, कमी, दूर, कठिन। नेक्स्ट यहाँ पे है विचरते, घूमते। प्रेरणा का मतलब होता है प्रोत्साहन, उकसावा यानी किसी को उत्साहित करना, प्रेरणा देना। स्रोत का मतलब होता है उद्गम, प्राप्ति का स्थान। दृढ़ का मतलब होता है मजबूत।
आश्रय का मतलब होता है सहारा देना या आसरा देना। दूरदर्शी का मतलब दूर तक सोचने वाला, उसको हम लोग दूरदर्शी कहते हैं। संकल्प का मतलब होता है इरादा। यदि आपका इरादा मजबूत हो तो आप कोई भी काम आगे कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये जो वर्ड मीनिंग है, ये हमने आपको बोल करके भी पूरा अर्थ बता दिया है। जिनके पास बुक नहीं है वो हमारे इस वीडियो को देख करके भी इसको कर सकते हैं और करके फिर उसको लर्न कर सकते हैं। ये वर्ड मीनिंग भी आप साथ ही साथ लर्न करते हुए चलिएगा। और दूसरी चीज़ जो आपको बुक में करनी थी वो हमने बता ही दी। कॉपी में करने वाली चीज़ें जो हैं वो आपको पीडीएफ के थ्रू भेजी जाएगी। इसलिए आज की क्लास जो है हमारी यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। वर्ड मीनिंग को एक बार देख लीजिए।